हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजीव। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही यूनिक और इसेंशियल आइटम जो आपके किचन और घर के लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। ये ऑनलाइन मार्केट में 150 से 200 तक में मिल जाती है। ये है स्प्रॉट मेकर। ये स्प्रॉट मेकर है जिसमें हम स्प्रॉट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि अच्छे अच्छे घरों में स्प्रॉट का बहुत महत्व बढ़ गया है। चना, मूंग ये सब का स्प्रॉट बनाकर उसका सलाद यूज करते हैं, या उसमें हनी, गुड़ वगैरह मिलाकर भी सुबह सुबह नाश्ता में करते हैं यूज। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या है, इसमें क्या क्या फंक्शन है और इसको यूज कैसे करते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे, मैं इसको डिटेल से सब बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये स्पॉट मेकर चार कंपार्टमेंट से बना हो तैयार हुआ है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है। कंपनी तो लिखती है कि ये अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है जो हानिकारक नहीं होगी। इसमें चार कंपार्टमेंट दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। इसको मैं अलग कर करके दिखाता हूँ। इसमें दो तरह का कंपार्टमेंट दिया हुआ है। ये कंपार्टमेंट में कुछ नहीं है और ये कंपार्टमेंट में देखिए यहाँ पे एक रेड कैप दिया हुआ है। ऐसा ही ये दूसरे में भी एक रेड कैप दिया हुआ है और ये तीसरे में भी रेड कैप दिया हुआ है, एक एक ढक्कन दिया हुआ है। ये जो रेड कैप नहीं है ये कहीं से खुला हुआ नहीं है। इस ये होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये ऐसे लगता है। और यहाँ पे ये इस कंपार्टमेंट में पानी डाला जाता है। ये पानी ही नमी क्रिएट करता है और हमारे जो चने दाल का स्प्रॉट बनाना है या मूंग दाल का बनाना है उसको ये नमी प्रदान करता है और जिससे वो बहुत तेजी से स्प्रॉट निकल आते हैं उससे। उसके बाद इसमें हम चना दाल या मूंग दाल या जिसका भी स्प्रॉट बनाना है उसको डाल देते हैं और ये इसके ऊपर रखते हैं। इसमें दूसरी चीज डालते हैं जिसका स्प्रॉट बनाना है, जैसे मूंग दाल डाल लिए, वो इसमें डाल के चारों तरफ फैलाकर फिर इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इसमें तीसरा चीज डालेंगे जिसका स्प्रॉट बनाना है, उसके बाद इसको इसके ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से ढक्कन लगा के ढक देंगे। और ये एक दिन में स्प्राउट निकल आते हैं। रात में डालिए, सुबह तक स्प्राउट निकल जाते हैं। अगर और स्प्राउट बड़ा चाहिए तो उसको एक दिन और एक्स्ट्रा रख दीजिए और बड़े हो जाते हैं। मैंने आप अपने अनुसार इसको जितना दिन चाहे रख सकते हैं और ये खराब जल्दी नहीं होता। इसमें जो चना दाल, चना हो, मूंग दाल हो, ये खराब नहीं होते हैं, स्प्राउट बढ़िया से निकलते हैं। इसको यूज करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चना को भिंगो के रखा है और थोड़ा सा मूंग दाल को भी भिंगो के रखा है। साथ में मैंने एक गिलास पानी लिया है जो इस नमी के लिए इसके नीचे वाला कंपार्टमेंट में रखेंगे। अब हम इसका यूज शुरू करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको वो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। देखिए ये नीचे वाला कंपार्टमेंट है, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। इसमें लगभग आधा पानी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा आधा से ज्यादा पानी डाल देंगे। फिर इसके ऊपर ये जो एक रेड कैप वाला कंपार्टमेंट है इसको लगा देंगे। ये अच्छे से बैठ गया है। इसमें हम फिर आप चना या मूंग दाल या जिसका भी स्प्रॉट बनाना चाहते हैं उसको लेंगे और इसके ऊपर ये करके इसको चारों तरफ फैला देंगे।
यहाँ पर ये करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो रेड कैप है ये थोड़ा खाली रहे इसके, क्योंकि इसमें से जो नमी आएगी इसीलिए इसके यहाँ पर थोड़ा सा जगह रहने दें। अब हम इसमें दूसरे खाली कंपार्टमेंट को लगाते हैं, ये भी लगा दिया। अब जो मैंने मूंग लिया हुआ था उसको इसके ऊपर इसमें डाल देंगे। इसको भी फैला देते हैं। ये खाली जगह रह गया, पर यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना है कि ये जो नीचे का रेड कैप है इसके ये अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। अगर ये इस साइड है तो इसको ये साइड रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, नहीं तो नमी ज्यादा आएगी तो इसको थोड़ा सा खराब होने का भी डर रहता है। अब इसे हम इसे ढक कर रख देंगे। ये एक बच गया है, परंतु अभी हमें दो ही चीज का स्प्राउट बनाना है तो इसमें तीसरे में खाली छोड़ देते हैं और इसी के ऊपर इसको रख देते हैं। देखिए ये बाहर से ही दिख रहा है, ये स्प्राउट बना है कि नहीं बना है हमें बाहर से ही दिख जाएगा। अब इसे हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं। इसे हम 12 घंटा बाद देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। ये देखिए स्प्राउट बनकर तैयार हो गया है। ये मूंग दाल का स्प्राउट भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं, ये चना भी काफी बड़े बड़े स्प्राउट निकल आए हैं। इसमें जो पानी डाले थे वो पानी जस्ट का तस है, मतलब काफी जल्दी स्प्राउट मेरा बनकर तैयार हो गया है। Subscribe to my channel, press the bell icon and never miss another update.